हेलो एवरीवन एंड वी आर बैक विद बायोलॉजी 11th स्टैंडर्ड। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, पूरा 3 लेक्चर्स लगे थे उसमें कंप्लीट करने को। नाउ वी आर हेडिंग टू सेकंड चैप्टर। माइंड यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हम क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे और अलग अलग जो किंगडम्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल में पढ़ेंगे। आज बेसिकली हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखेंगे कि सबका इंट्रोडक्शन देंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर से डिटेल में जाएंगे, ठीक है। सो बिफोर हेडिंग टू क्लासिफिकेशन, जो भी साइंटिस्ट है जिन्होंने बायो में डिफरेंटली योगदान दिया है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उनके बारे में हम थोड़ी थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करेंगे, क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ रिसर्च किया है एंड उसकी इंपॉर्टेंस रही है। तो नीट में उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था, किस साइंटिस्ट ने ये बुक लिखी थी, बेसिक आ जाते कभी कभी, तो वो हमें पता होने चाहिए। ऑल्सो हम साइंटिस्ट वाइज जाएंगे अलग अलग, एंड साथ साथ अगर उस साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, किसी टाइप का क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, तो हम साथ साथ वो भी देख लेंगे, ठीक है। एंड सब साइंटिस्ट दिमाग लगाने पे लग गए कि भाई अब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है, तो किसी ने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, किसी ने तीन में, किसी ने चार में, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया। तो हम साइंटिस्ट वाइज देखेंगे और फाइनली हम एंड में देखेंगे कि कौन सा क्लासिफिकेशन जो है वो लिया गया, अडॉप्ट किया गया, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो टू द हिस्ट्री एंड सी कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। सबसे पहले जो हम साइंटिस्ट की बात करेंगे उनका नाम है एरिस्टोटल, ओके। सो द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट हुम वी आर टॉकिंग अबाउट इज एरिस्टोटल। प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स। एरिस्टोटल इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी, सो ही इज द फादर ऑफ एंटायर बायोलॉजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Also, he is also the father of zoology. Zoology मतलब animals से related, right? So he is also the father of zoology. Okay? Do note this down. इसके अलावा इनका contribution क्या रहा है? इन्होंने एक type का classification दिया. As I said, सबने दिमाग लगाना चालू कर दिया कि कैसे classify करें. तो उन्होंने प्लांट्स के लिए क्लासिफिकेशन दिया, ओके, ओनली स्पेसिफिक टू प्लांट्स, प्लांट्स के लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, एंड ही क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू 3 कैटेगरीज, ओके। फर्स्ट हर्ब्स, सेकंड श्रब्स एंड थर्ड ट्रीज। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, एंड व्हाट इज अ हर्ब, व्हाट इज अ श्रब, व्हाट इज अ ट्री। लेकिन जिन लोगों को आइडिया नहीं है उनको मैं अभी बता देती हूँ, ओके ओके। सो जिन लोगों को पता नहीं है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में डिफरेंस, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में द वेरी फर्स्ट रिप्रेजेंट्स हर्ब्स, द सेकंड रिप्रेजेंट्स श्रब एंड द थर्ड रिप्रेजेंट ट्रीज। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो सबसे स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स हम घर में यूज करते हैं, खाने में डालते हैं हर्ब्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हर्ब्स, राइट, सुना होगा। सेकेंड श्रब्स, श्रब्स बेसिकली बुशेस फॉर्म में होते हैं, मीडियम साइज प्लांट्स जो होते हैं उनको हम श्रब्स कहते हैं। एंड थर्ड इज ट्रीज, ट्रीज ऑफकोर्स बिग बिग ट्रीज, बिग प्लांट्स जिनकी जिनकी जो स्टेम है वो ट्रंक में कन्वर्ट हो चुकी है। इनकी स्टेम जो होती है वो सॉफ्ट होती है, इनकी स्टेम जो है वो प्रॉपर ट्रंक में हार्ड हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो गए ट्रीज। सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर, ठीक है, ओके। तो सबको हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज में डिफरेंस पता है आई गेस। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये तो हुए पहले साइंटिस्ट एरिस्टोटल, अब हम दूसरे साइंटिस्ट की बात करेंगे। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट उनका नाम है थियोफ्रेटस। यस, थियोफ्रेटस। ये जो साइंटिस्ट है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है वो हम देखते हैं। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ एंशियंट प्लांट टैक्सोनॉमी।
Who is he? He's the father of ancient plant taxonomy. Taxonomy क्या होती है? हम last time पढ़ चुके हैं. Arrangement according to law, categorize करना. Also, he is the father of zoology. Sorry, botany. I'm so sorry. He's the father of botany. जैसे कि हमने देखा कि Aristotle father of zoology थे, वैसे ही Theophrastus जो है वो father of botany है. मेरे साइंटिस्ट की प्रोनंसिएशन गलत हो सकते हैं. आई एम नॉट दैट श्योर, बट जिस तरह मैंने याद किए थे मैं आपको वैसे बता रही हूँ. ठीक है, जज मत करना. ओके, थर्ड हम बात करेंगे जो थर्ड साइंटिस्ट. हाँ राइट, एक और चीज जो मैं तुम्हें बताना भूल गई, आप लोगों को बताना भूल गई कि जिस तरह एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया प्लांट्स का, वैसे ही थियोफ्रेटस ने भी क्लासिफिकेशन दिया. अब इन्होंने क्या किया, ही क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू फोर कैटेगरीज. ओके, फोर कैटेगरीज के नाम के थे, पहला ट्री, ठीक है, दूसरा ऑफकोर्स श्रब्स, तीसरा इन्होंने दे दिया अंडर श्रब्स. क्या नाम दिया, अंडर श्रब्स. लिखते जाना साथ में, ठीक है. एंड जो लास्ट डी इन्होंने दिया उनका नाम था हर्ब्स. ऑफ कोर्स अब हम ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स तो समझ चुके थे. अब एरिस्टोटल ने ये तीन दे दिए, अब थियोफ्रेटस ने क्या किया, उन तीन में एक और ऐड कर दिया. तो चार कैटेगरीज में उसने डिवाइड किया, ट्रीज सबसे बड़े, उसके बाद श्रब्स उससे छोटे अंडर श्रब्स यानी श्रब से थोड़े छोटे, एंड देन हर्ब्स सबसे छोटे. राइट, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं आई थिंक. ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड साइंटिस्ट की. थर्ड साइंटिस्ट का नाम है जॉन. जॉन रे. क्या नाम है, जॉन रे. जॉन रे का योगदान ये रहा है कि इन्होंने कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया है. ही गेव द कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज. स्पीशीज हम सब समझते हैं, स्पीशीज जो स्पेसिफिक एपिथेटिक ऑर्गेनिज्म के नेम में डिफाइन करती है उसकी स्पीशीज, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिस जो सबसे छोटा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स में. जैसे टाइगर्स एक टाइप की स्पीशीज है, लेपर्ड्स एक टाइप की स्पीशीज है, वैसे. ठीक है, तो जो कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज है, जो पहली बार कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज अराइज हुआ वो जॉन रे ने दिया. ठीक है, नोट डाउन करते चलिए. ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग है बट हम लिखेंगे. ठीक है, देन आते हैं साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस. कैरोलस लिनियस का नाम पहले भी आ चुका है जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे. काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, इन्होंने काफी सारी चीजें डिस्कवर किए हैं एंड कॉन्ट्रीब्यूट किया है काफी कुछ. ओके, सो ही इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. ओके, पूरा टैक्सोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो कैरोलस लिनियस ने दिया था फर्स्ट टाइम. So he is the father of taxonomy. Keep noting down. Okay. Also, likhenge. Ki unhone concept diya binomial nomenclature, binomial nomenclature system of nomenclature ka. Hame yaad hai humne jab nomenclature chapter टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल अलग अलग आए थे, रिमेम्बर. सो उसमें कैरोलस लिनियस वाज द साइंटिस्ट हु गेव द नोमेनक्लेचर का तरीका, विच वाज बाइनोमियल सिस्टम विच वी हैव एक्चुअली अडॉप्टेड, जिसके अकॉर्डिंग सारे साइंटिफिक नेम सभी ऑर्गेनिजम्स के रखे गए हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ही गेव द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. ऑल्सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था. सो ही गेव टू, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, इसको करेक्ट कर देते हैं. सो इन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन. देखो अब क्लासिफिकेशन आना शुरू हो गया है. ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब क्या,
देखो अब साइंटिस्ट सब दिमाग लगा रहे हैं अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, करेक्ट। तो अब आए कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस ने सोचा क्यों ना हम किंगडम को दो इसमें डिवाइड कर दें। अब किंगडम सबको पता है, किंगडम से नीचे नीचे जाते हैं स्पीशीज तक, जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है जिसमें सबसे वास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, करेक्ट। तो अब इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब उन्होंने क्या किया, किंगडम को, पूरे किंगडम को दो में डिवाइड कर दिया, सारे ऑर्गेनिज्म, आई मीन जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उन्होंने टू मेन किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, दो किंगडम में डिवाइड किया सारे ऑर्गेनिज्म को। फिर वो दो किंगडम अलग अलग फाइलम में, अलग अलग क्लास, ऑर्डर, फैमिली जो भी होगा उसमें फर्दर डिवाइड होंगे, पर शुरुआत ऊपर से कहां से की उन्होंने, दो किंगडम में डिवाइड करके। अब वो दो किंगडम कौन से थे वो हम देखते हैं। सो ही डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिजम्स इनटू टू किंगडम्स, दो किंगडम में कैटेगराइज कर दिया सारे ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। सो वो दो किंगडम कौन से थे, पहला था किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटी, एंड द सेकेंड किंगडम वॉज किंगडम एनिमिलिया। नोट दिस डाउन, ओके, दिस वॉज द शुरुआत ऑफ क्लासिफिकेशन यहीं से की गई थी, ठीक है। तो ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि उन्होंने क्या किया, सारे ऑर्गेनिजम्स लिए, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दो किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्लांटे रिप्रेजेंट्स द प्लांट्स, किंगडम एनिमिलिया रिप्रेजेंट्स द एनिमल। तो ये सबसे इजीएस्ट क्लासिफिकेशन कर दिया कैरलस लीनियस ने, कि उन्होंने क्या किया, सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया प्लांट्स और एनिमल्स में, कि ये प्लांट्स है ये एनिमल्स है। फिर वो फर्दर अलग अलग फाइलम में, अलग अलग क्लास, अलग अलग ऑर्डर, अलग अलग फैमिली, उन सब में फर्दर वो डिवाइड हुए, ठीक है। तो ये दिया था कैरलस लीनियस ने, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आई अज्यूम, ठीक है। अब हम बात करें बुक्स की। कैरलस लीनियस ने कुछ बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। पहली किताब का नाम है सिस्टमा नेचरे, सिस्टमा नेचरे, ओके, ये बुक का नाम नोट करेंगे। दूसरी जो बुक उन्होंने लिखी है उसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम, ओके। तीसरी बुक जो उन्होंने लिखी है उसका नाम है फिलोसोफिया, बॉटनिका, ओके। सो कौन सी बुक लिखी है ये क्लियर है, सिस्टमा नेचरे, जेनेरा प्लांटेरम एंड फिलोसोफा बॉटनिका। ये सब याद रखने के लिए, वैसे कोई ज्यादा पूछेगा नहीं, पर जस्ट इन केस आ गया तो आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन, मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पे। नेक्स्ट साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट है, उनका नाम है बेंथम एंड हुकर। सो बेंथम एंड हुकर ने क्या दिया वो हम देखते हैं। तो बेंथम एंड हुकर ने एक टाइप का क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, वो हम देखते हैं। सो दे गेव बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो उन्होंने क्या किया, अब सिर्फ उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया डिफरेंट कैटेगरीज, सबने अपने अकॉर्डिंग कुछ कुछ टाइप के क्लासिफिकेशन दिए, ठीक है। तो उन्होंने स्पर्मेटोफाइटा एक फाइलम है, ये आएगा बाद में, स्पर्मेटोफाइटा इज अ फाइलम, ओके, स्पर्मेटोफाइटा इज अ फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में एक फाइलम है जिसका नाम है स्पर्मेटोफाइटा, और स्पर्मेटोफाइटा को बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफाई किया डिफरेंट कैटेगरीज में, तीन डिफरेंट कैटेगरीज में। और वो तीन डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी है देखते हैं। स्पर्मेटोफाइटा मतलब वो प्लांट्स जिनमें सीड प्रेजेंट होता है, ओके, तो सीडेड प्लांट्स आर नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है। तो स्पर्मेटोफाइटा फाइलम जो है वो डिवाइड हुआ, ये नोट करना। तीन कैटेगरीज में, ठीक है, फाइलम डिवीजन दोनों सेम होता है, आई होप यू नो मैंने यहां डिवीजन लिखा है। डाइकोटिलेडनी,
आई नो वर्ड्स भारी लगेंगे, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन सबका मीनिंग क्लियर होता जाएगा, ठीक है? डरना नहीं है, ठीक है? तो स्पर्मेटोफाइटा डिवाइड हुए तीन क्लासेस में, डिवीजन के बाद क्लास, ठीक है? डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी एंड देन मोनोकोटिलेडनी, ठीक है? फर्दर डाइकोटिलेडन को उन्होंने डिफरेंट इस और इसमें फर्दर डिवाइड किया तीन कैटेगरीज में, वो थे पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी, ठीक है? ऑल्सो जिम्नोस्पर्म को उन्होंने डिवाइड किया फर्दर साइकेडी, साइकेडेसी, साइकेडेसी, कॉनिफेरेसी, आई नो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे भी दिक्कत आती है, एंड नेटेसी। ये नेटेसी की स्पेलिंग है GNETACAE, जी साइलेंट है, नेटेसी, ठीक है? सो क्या हुआ, बेंथम एंड हुकर ने स्पर्मेटोफाइटा नामक एक फाइलम को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया तीन क्लासेस में, डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकोटिलेडनी, और उसके बाद उन्होंने डाइकोटिलेडनी और जिम्नोस्पर्मी को और फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, क्लियर है? प्लांट किंगडम से आया एक, प्लांट किंगडम में एक फाइलम था स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा फाइलम को उन्होंने डिवाइड किया तीन क्लास में, ठीक है? इतना ही याद रखो अभी, आई नो समझ में नहीं आ रहा होगा कि डाइकोटिलेडन्स क्या है, जिम्नोस्पर्म्स क्या है, मोनोकोटिलेडन्स क्या है। वैसे तो इस सब के बारे में हम एक चैप्टर आएगा आपकी 11th स्टैंडर्ड की बुक में होगा, चैप्टर का नाम प्लांट किंगडम, वो अपने आप में एक चैप्टर है। तो हम प्लांट किंगडम चैप्टर में एक एक चीज को डिटेल में देखते हैं, तो वहां पे सब कुछ आता है, लेकिन अभी आपको मैं शॉर्ट में सिंपली बता देती हूँ कि क्या होता है, ठीक है? सो ओके, सो जिम्नोस्पर्म की अगर मैं तुमको बात करूं तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म एक प्लांट की कैटेगरी है जिनको हम कहते हैं नेकेड सीडेड प्लांट्स, मतलब कि हर प्लांट का एक सीड होता है, जो सीडेड प्लांट्स होते हैं उन सीडेड प्लांट्स में इनके सीड्स जो हैं वो फ्रूट से कवर्ड नहीं है। हम एप्पल खाते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा एग्जाम्पल देखिए, तो एप्पल जो हम खाते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो एप्पल बना हुआ है उसके अंदर सीड होता है, तो सीड इज प्रेजेंट विद इन द फ्रूट, इट इज कवर्ड बाय द फ्रूट, सच प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स, ओके? वेयर एज जिम्नोस्पर्म्स आर दोज प्लांट्स विच आर नॉट वेयर देयर सीड इज नॉट कवर्ड बाय एनी फ्रूट, रादर देन देयर इज अ कोन लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, ओके? सो इफ यू कैन सी द डायग्राम विच आई एम शेयरिंग राइट नाउ, यू विल सी That fruits जो है, जो angiosperms होती है, ये भी एक टाइप का प्लांट का कैटेगरी है, वो उसमें सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर होती है, फ्रूट से कवर्ड होती है, whereas gymnosperms जो होते हैं उसमें सीड्स जो है वो नेकेड होती है, gymnosperms are actually called naked seeded, okay? तो जो सीड्स है वो नेकेड होते हैं, मतलब they are not covered by fruit, okay? I hope this is clear. शॉर्ट में बता रही हूँ, अभी डिटेल में अपने सब प्लांट में पढ़ेंगे, डू नॉट वरी, अभी के लिए इतना एग्जाम्पल से समझ लो, ठीक है? अभी मोनोकॉट्स और डायकॉट्स की अगर हम बात करें तो डाइकोटिलेडनी मतलब क्या, डाय मतलब दो, कॉटिलेडनी मतलब कॉटिलेडन्स की बात करें, डाइकोटिलेडन्स और नी तो हम इंडिकेट कर रहे हैं बेसिकली कि वो क्लास के बारे में जो भी है। सो अगर हम डाइकोटिलेडन की बात करें तो वो प्लांट्स होते हैं जिनके जो सीड्स हैं वो उनमें दो कॉटिलेडन होते हैं। व्हाट इज अ कॉटिलेडन, कॉटिलेडन इज नथिंग बट एम्ब्रायनिक फॉर्म ऑफ लीफ, जब एम्ब्रायो फॉर्म में होता है तो उसकी जो लीफ होती है उनको कॉटिलेडन कहते हैं। अब कुछ प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स में दो कॉटिलेडन होते हैं,
और जो कुछ प्लांट्स है जिनकी सीड के स्ट्रक्चर में एक ही कॉटिलेडन होता है, डाई मतलब दो, मोनो मतलब एक. सो डाइकॉटिलेडनी आर प्लांट्स जिनकी सीड्स में दो कॉटिलेडन है. सो इफ यू सी द सीड स्ट्रक्चर, ये हम सबको पता है राजमा है, किडनी बीन्स, किडनी बीन्स का जो स्ट्रक्चर देखते हैं पता है वो दो में टूट जाते हैं, राइट, दो ऐसे दो जुड़े हुए होते हैं. सो दो स्ट्रक्चर, सी दीज आर द सीड्स ओनली, राइट, सो दो स्ट्रक्चर है, तो दीज टू आर कॉटिलेडन्स, ओके, सो दे आर डाइकॉटिलेडनी. समझ आ रहा है सबको, डाइकॉटिलेडनी, ओके. अब अगर मैं बात करूं मोनोकॉटिलेडनी की, तो अगेन मोनो मींस वन, कॉटिलेडनी मतलब कॉटिलेडन वाले प्लांट्स की बात करें. सो कॉटिलेडन पता ही है, मैंने बताया है डिटेल में, हम प्लांट प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे सब कुछ अच्छे से. ठीक है, अभी शॉर्ट में समझ लो कि एक मक्का कहते हैं ना, मेज, मेज हम लोग खाते हैं ना, हम लोग बॉइल्ड कॉर्न्स खाते हैं मॉल में जाके, राइट, तो जो कॉर्न का जो एक दाना होता है, अगेन इसमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडन है, राइट, तो एम्ब्रायनिक लीफ जो है वो एक ही है जिससे लीव्स बाद में फ्यूचर अराइज होती है, वॉट एवर इट इज. तो इन शॉर्ट अगर बोले तो उसमें एक ही होता है. तो यू सी द डायग्राम, फर्स्ट में देखो कॉमन बीन्स बताइए जिनकी दो में से खुलता है, तो राइट स्ट्रक्चर्स पे भी डिटेल में मत जाओ, हम प्लांट डाइवर्सिटी में अच्छे से देखेंगे. सिर्फ अभी समझने के लिए बेसिक, जितना हम अभी पढ़ रहे, तो कुछ मिस ना हो इसके समझने के लिए समझ लो. कॉर्न्स जो होते हैं वो मोनोकॉट होते हैं, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर है पूरा होल, ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर अगेन. ठीक है, नाउ वील गो बैक टू व्हाट वी वर लर्निंग. ठीक है, सो वी आर बैक हियर. हम लोगों ने देख लिया स्पर्मेटोफाइटा को, यानी जो सीडेड प्लांट्स है जिनमें सीड प्रेजेंट होता है, डाइकॉटिलेडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकॉटिलेडनी में डिवाइड किया हमने. ठीक है, और फिर उनको फर्दर डिवाइड सब क्लासेस में डिवाइड किया गया था, राइट, वो ये सब डिटेल में अभी नहीं जाना है, सिर्फ समझ लो कि ये किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर दो साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था. ठीक है, सब अपना दिमाग लगा लगा के अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशंस दे रहे हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके मेरिट्स की. मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस, तो क्या क्या एडवांटेजेस है इस बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसका. द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो प्लांट के फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, तो जो भी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लावर्स के दिख रहे होंगे, फ्लावर का जो कैरेक्टर है उसके बेसिस पे. सेकेंड, हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इन्होंने बिगेस्ट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया है. नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या होता है ये हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, आई डोंट नीड टू गो बैक टू दैट, सो यू शुड नो. ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट, ये सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा, सिंपल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है. सो ये तीन एडवांटेजेस हुए. लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो हम देखेंगे. सो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस क्लासिफिकेशन. डू नॉट वरी, अगर सब बाउंसर जा रहा है, हम ये सब कुछ डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में. डिसएडवांटेज ये है कि ये फाइलोजेनी को फॉलो नहीं करता. ओके, सो डिसएडवांटेजेस में आप लिखेंगे फाइलोजेनी इज Not considered here. Okay, so Bentham and Hooker ने जो ये classification दिया है spermatophyta का in monocotyledony, then gymnosperm, dicotyledon, तीनों का जो इन्होंने classification दिया है, उनमें इन्होंने phylogeny का जो concept है वो नहीं लाया है. And we know what is phylogeny. Last time हमने पढ़ा था according to evolution की classification में हम कैसे एक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई करे, राइट, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी बट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ फाइलोजेनी, दोनों एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए. सो यहाँ पर इन्होंने मॉर्फोलॉजी तो कंसिडर करी लेकिन उन्होंने फाइलोजेनी कंसिडर नहीं किया. सो दिस इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज, क्योंकि फाइलोजेनी कंसिडर करना जरूरी था, इसलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं इस क्लासिफिकेशन को. एक्चुअली में क्या होता है, जो फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन मतलब पहले क्या आया,
पहले कौन से टाइप का प्लांट आया, फिर कौन से टाइप का प्लांट का है, फिर कौन से टाइप का प्लांट हुआ, ऐसे इवोल्यूशन हुआ है, हम हायर लेवल पे जाते गए डिफरेंट प्लांट्स की। तो सबसे पहले फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग क्या आया था, फिर क्या आया था, फिर क्या आया था, तो सबसे पहले आए थे जिम्नोस्पर्म्स। यानी देखो स्पर्मेटोफाइटा में जो सीडेड प्लांट्स है उसमें सबसे पहले आए जिम्नोस्पर्म, नेकेड सीड्स, कुछ कवर्ड ही नहीं है। उसके बाद आए डाइकॉट्स, दो वाले, एंड उसके बाद प्लांट्स और प्रोग्रेस हुए, उनमें इवोल्यूशन हुआ, एंड फिर आए मोनोकॉट्स। जैसे हम देखते हैं ह्यूमंस में इवोल्यूशन हुआ है, वैसे एक तरीके से आप समझ सकते हो कि स्पर्मेटोफाइट्स जो कैटेगरी है उसमें इवोल्यूशन इस तरह हुआ कि पहले जिम्नोस्पर्म्स आए, फिर डाइकॉट्स आए, फिर मोनोकॉट्स आए। लेकिन बेंथमैन होकर ने क्लासिफिकेशन में क्या किया, पहले उन्होंने लिखा, क्या लिखा है उन्होंने, डाइकॉट्स लिखा, फिर जिम्नोस्पर्म्स लिखा, फिर मोनोकॉट्स लिखा। तो उन्होंने डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में जिम्नोस्पर्म्स को डाल दिया, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले आए जिम्नोस्पर्म्स, फिर आए डाइकॉट्स, फिर आए मोनोकॉट्स। अगर हम कोई क्लासिफिकेशन को इस तरह ध्यान में रखते हुए, फाइलोजेनी को ध्यान में रखते हुए क्लासिफाई करेंगे तो वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, That is not wrong, but it doesn't consider the concept of phylogeny. और अगर हम किसी biology में classify करें तो हमें phylogeny और morphology दोनों को साथ में लेके चलना है। ठीक है? So इन्होंने भी ये type का classification दिया। तो phylogenetically जैसे मैंने की कहा, सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया gymnosperms, फिर आए dicots, फिर monocots. Short में उनको dicots और monocots भी बोलते हैं, कोई problem नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप बोरिंग नहीं हो रहा है। ओके, आर एच एक्लर, क्या नाम है? आर एच, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ए डब्ल्यू एक्लर, आई एम टॉकिंग आर एच पटेल, सॉरी, ए डब्ल्यू एक्लर की अगर मैं बात करूं, ए डब्ल्यू एक्लर जो है, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया? So, इन्होंने फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया। मतलब देखो, अभी तक हम क्लासिफाई में फाइलोजेनी को कंसिडर नहीं हुआ था, अब एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, चलो अब मैं फाइलोजेनी को भी कंसिडर करके क्लासिफिकेशन बनाता हूँ। तो इन्होंने पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया, अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फाइलोजेनी। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने प्लांट किंगडम का ही क्लासिफिकेशन दिया। तो इन्होंने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया। ठीक है, सो ही डिवाइडेड प्लांट किंगडम। यहाँ पे वो प्लांट किंगडम को ही उन्होंने फाइलोजेनेटिकली डिवाइड किया है, देखते किसमें क्या है। ठीक है, सो इन्होंने डिवाइड किया क्रिप्टोगेमी में, क्रिप्टोगेमी क्लास में, एंड दूसरी क्लास जो उन्होंने दी वो थी फेनेरोगेमी, या इनको हम क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स बोलेंगे। ठीक है, आई नो टर्म्स थोड़े डिफिकल्ट है, प्लांट किंगडम अच्छे से एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी भी पढ़ लो तो क्या थोड़ा बहुत याद रहेगा जब हम प्लांट किंगडम पे आएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दो में डिवाइड किया, क्रिप्टोगेमी में एंड फेनेरोगेमी, दो क्लास में डिवाइड किया, दो फाइलम में डिवाइड किया प्लांट किंगडम को। प्लांट किंगडम के बाद आता है फाइलम, तो प्लांट किंगडम को इन्होंने डिवाइड किया दो, इसमें क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्लियर है? ठीक है, अब क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स होते क्या है? आई नो बड़ी टर्म्स है, इंट्रोडक्टरी है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल बता देती हूँ एंड फिर हम डिटेल में प्लांट किंगडम में पढ़ लेंगे। ठीक है, सो क्रिप्टोगेम, आई थिंक आज की जनरेशन बहुत इस वर्ड से यूज्ड होनी चाहिए, द वर्ड क्रिप्ट। क्रिप्ट मतलब कोई भी चीज क्रिप्टेड। आजकल हमारे जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, मैसेज में ऊपर लिखा आता है दिस चैट इज क्रिप्टेड, यू नो दिस चैट्स आर एनक्रिप्टेड। और क्रिप्टेड मतलब कि हिडन, एक तरह के से सीक्रेट लैंग्वेज, जैसे हम बोलते हैं ना कि स्क्रिप्टेड लैंग्वेज में लिखा होता है, सीक्रेट लैंग्वेज जो होती है, जैसे क्रिप्टेड मतलब बेसिकली एक हिडन लैंग्वेज, एक हिडन फॉर्म में। तो यहाँ क्रिप्ट मतलब हिडन, और गैमी मतलब उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो गैमी रिप्रेजेंट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो इन इन प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हिडन होता है, आप मॉर्फोलॉजिकली देखोगे तो आपको एकदम दिखेगा नहीं। दूसरा फेनेरोगेम्स, फेनेरोगेम्स मतलब
गेनी मतलब क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और फेनेरो मतलब विजिबल। तो इन प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का वो क्लियरली आई से विजिबल होता है। मतलब दो इसमें हमने डिवाइड कर दिया प्लांट किंगडम को, क्रिप्टोगेमी फाइलम एंड फेनेरोगेम फाइलम। तो क्रिप्टोगेमी में वो प्लांट्स जिनका रिप्रोडक्टिव पार्ट हिडन है, और फेनेरोगेम्स में वो प्लांट्स जिनमें रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट इज विजिबल। आई होप एवरीवन नोस, एंड इफ यू डू नॉट नो लेट मी टेल यू कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पर्टिकुलर पार्ट होता है हमारी बॉडी में। वैसे ही प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जो प्लांट का रिप्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है फ्लावर। जो फ्लावर होते हैं, जो फ्लावर होता है वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। सो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज व्हाट इट्स हिज, और मतलब इट्स फ्लावर। ठीक है, यानी फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अभी ये प्लांट है गमले में, जो ये प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग के घर में भी होगा मे बी। सो दिस प्लांट इज बेसिकली साइकस, और ये प्लांट में इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है वो हिडन है। राइट, कैन यू सी, यू कैन नॉट सी दिस। तो दिस इज अ क्रिप्टोगैम, इट कम्स अंडर क्रिप्टोगैम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता दिया आप लोगों को। ओके, सो हमने क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम्स देख लिए। क्रिप्टोग्राम का मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, साइकस प्लांट जो हमारे घर में होता है वो दिखा दिया। ठीक है, ज्यादा टेंशन ना ले, आगे जैसे जैसे हम प्लांट चैप्टर प्लांट किंगडम पे पहुंचेंगे वैसे वैसे सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, क्रिप्टोगैम को डिवाइड किया, या क्रिप्टोगैमी जो फाइलम है उसको डिवाइड किया तीन में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, समझ रहे, तीन में डिवाइड किया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और उन्होंने फेनेरोगेम्स को डिवाइड किया जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में। किस में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में। नोट करते चलना। अभी ये जो क्लासिफिकेशन है इन्होंने, लिसन, देयरफॉर ही क्लासिफाइड कीपिंग फाइलोजेनी इन माइंड। कैसे फाइलोजेनी को ध्यान रखा उन्होंने, क्यों, क्योंकि सबसे पहले आए थैलोफाइट्स से फिर एवोल्यूशन क्या हुआ, और फिर आए ब्रायोफाइट्स, फिर ब्रायोफाइट्स से एवोल्यूशन हुआ, फिर आए टेरिडोफाइट्स से एवोल्यूशन हुआ, फिर आए अपने जिम्नोस्पर्म्स, एंड जिम्नोस्पर्म्स के बाद एवोल्यूशन से आए एंजियोस्पर्म्स। तो आप ये ऊपर जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो यहां देखो, सबसे पहले उन्होंने क्रिप्टोगेमी में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा बता दिया, फिर उन्होंने दूसरा क्लासिफिकेशन दिया फेनेरोगेम्स, जिसमें उन्होंने जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स बता दिया। तो पहले ये तीन, फिर ये दो। तो पहले आया थायोफाइट, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। थैलोफाइट जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, और एंजियोस्पर्म्स जो है वो सबसे मॉडर्न प्लांट्स है। ठीक है, तो वही ही केप्ट फाइलोजेनी इन माइंड, एवोल्यूशन को ध्यान में रख के क्लासिफाई किया। देखो, सबसे पहले आया थैलोफाइटा, फिर आया ब्रायोफाइटा, फिर आया टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म्स, और फिर आया एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, आई होप समझ में आया है आप सबको। ओके, अब हम आगे बात करेंगे, अब हम आगे जाएंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट पे। उनका नाम है ऑस्वर्ल्ड टिप्पो। क्या नाम है, ऑस्वर्ल्ड टिप्पो, नाम याद रखिएगा, टिप्पो, क्यू डबल पी है ना, टिप्पो। ठीक है, ऑस्वर्ल्ड टिप्पो ने क्या किया, इन्होंने बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया, बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। सिंस हम समझ गए अब सब साइंटिस्ट फाइलोजेनी को कंसिडर करें, तो जो ऑस्वर्ल्ड टिप्पो थे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो सबसे बड़ा था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, द बिगेस्ट वन प्लांट किंगडम का। अगेन प्लांट किंगडम को इन्होंने डिवाइड किया, राइट।
इन्होंने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया थैलोफाइटा में और एम्ब्रायोफाइटा में। क्लियर है? किस में डिवाइड किया? थैलोफाइटा में और एम्ब्रायोफाइटा में। ठीक है, इस सब के बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। थैलोफाइट्स वो होते हैं जिनमें एम्ब्रायो प्रेजेंट नहीं होता, और एम्ब्रायोफाइटा वो होते हैं जिनमें एम्ब्रायो प्रेजेंट होता है। तो देख रहे हो, सबने अपने हिसाब से क्लासिफाई कर दिया है, सबने अपने हिसाब से क्लासिफाई कर दिया है। और हम प्लांट किंगडम में देखेंगे कि कौन सा क्लासिफिकेशन हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का बीच में हैंग हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी, मेरे इधर कुछ इश्यूज आए थे। ओके, सॉरी फॉर दैट। सो हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है हेकल। ओके, अब हेकल ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया वो देखते हैं। ठीक है, सो हेकल साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन क्या दिया? उन्होंने दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो, हमने अभी तक बात की थी कि अपने जो कैरलस लीनियस साइंटिस्ट की हमने बात की थी, उन्होंने दिया था, प्लीज टर्न द पेजेस बैक यू सी, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिनमें उन्होंने दो पूरे ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में क्लासिफाई कर दिया था, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम, किंगडम प्लांट है किंगडम एनिमल है, राइट। अब आई ये नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनका नाम है हेकल, इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को तीन कैटेगरीज में, मतलब तीन किंगडम्स में डिवाइड किया। अब वो तीन किंगडम कौन से हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, सो जो तीन किंगडम्स में इन्होंने डिवाइड किया वो कौन से हैं? सो द थ्री किंगडम्स इन विच ही डिवाइडेड वाज पहला प्रोटिस्टा, ओके प्रोटिस्टा, सेकेंड प्लांटी किंगडम, प्लांटी, एंड थर्ड किंगडम एनिमिलिया। सो इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने डिवाइड किया किंगडम्स को, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। अभी के लिए किंगडम प्रोटिस्टा बस लिख दीजिए, मैं बताती हूँ कि वो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट आया जिनका नाम था कोपलैंड। क्या नाम है? COPELLANDE, कोपलैंड। सो कोपलैंड ने दिया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। अब और लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई हम पूरे ऑर्गेनिजम्स को चार किंगडम में डिवाइड कर देते हैं, सो ही गेव फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने चार किंगडम में क्लासिफाई किया, वो चार किंगडम कौन से थे? उन्होंने डिवाइड किया पहला किंगडम माइकोटा, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, या मैंने प्रोटिस्टा की स्पेलिंग गलत लिखी है, I'm sorry, let me just किंगडम प्रोटिस्टा, फिर आया किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। आप समझ रहे हैं क्या हुआ? पहले कैरलस लीनियस ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमल, फिर आए हमारे हेकल साइंटिस्ट, हेकल ने डिवाइड कर दिया तीन में, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। उसके बाद हमारे आए कोपलैंड, कोपलैंड साइंटिस्ट ने बोला कि चलो अब चार में डिवाइड कर देते, तो उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को टोटल फोर किंगडम्स में डिवाइड किया, किंगडम माइकोटा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया। ठीक है, किंगडम माइकोटा को मोनेरा भी कहा जाता है, किंगडम मोनेरा, जिसको बाद में टर्म दिया गया, अभी देखते हैं। फाइनली एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर एच विटेकर। क्या नाम था? आर एच विटेकर। और इन्होंने फाइनल क्लासिफिकेशन दिया जो हम आज फॉलो करते हैं, जिनके बेसिस पे क्लासिफाइड है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब वही में उन्होंने एक और किंगडम ऐड कर दिया। इन्हें दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उन्होंने पांच किंगडम में क्लासिफाई किया है।
ठीक है, अब वो पांच किंगडम कौन से हैं हम देखते हैं. सो दोस फाइव किंगडम्स आर, पहला, पहले किंगडम का नाम है किंगडम मोनेरा, ओके. सेकेंड किंगडम प्रोटेस्टा, थर्ड किंगडम फंगाई, फंगाई या फंजाई जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं, फंगाई इज ऑल्सो नोन एज माइकोटा, ओके. देन फोर्थ किंगडम प्लांटी, एंड थर्ड सॉरी एंड फिफ्थ किंगडम एनिमिलिया. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. अब उन्होंने क्या किया, अब आर एच विटेकर साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला चार क्यों, हम सारे ऑर्गेनिजम्स को पांच कैटेगरीज में डिवाइड करते, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगा एंड किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमलिया. पांचवें किंगडम फंगा इज ऑल्सो नोन एज माइकोटा. ठीक है, ये पांच किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज अडॉप्टेड एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. इस किंगडम के इस क्लासिफिकेशन के हर एक एक किंगडम को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगा, प्लांटे, एनिमलिया, हम डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे. ठीक है, अभी शॉर्ट में अगर मैं एक एक की डेफिनेशन आपको बता दूं कि ये क्या क्या होते हैं, तो हम वो एक बार के लिए देख लेते हैं कि ये क्या क्या होते हैं. ठीक है, सो पहले, हाँ पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है, ये किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए दिया है. जैसे हमने देखा कुछ साइंटिस्ट ने फाइलोजेनी को ध्यान में रखते हुए दिया, कुछ साइंटिस्ट ने मॉर्फोलॉजी को ध्यान में रखते हुए दिया. अब ये जो आर एच विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, ये किसके ऊपर बेस्ड है. सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, प्लीज डू नोट डाउन, फर्स्ट सेल वॉल का स्ट्रक्चर, कि उनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ओवरऑल सेल स्ट्रक्चर. सेकेंड थैलस फॉर्मेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस फॉर्मेशन, थैलस इज बेसिकली द मास. तो जिस कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इज इट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इज इट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इफ इट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो उसका फॉर्मेशन कैसा है, ओवर पूरे मास का फॉर्मेशन कैसा है. हर कोई जानता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है, राइट. यूनिसेलुलर सिंगल सेल, एक ही सेल जो है वही ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहा है. मल्टी सेल मतलब ढेर सारे सेल है, वो सब मिलके एक फंक्शन को फॉलो कर रहे हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए. तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कॉम्प्लेक्सिसिटी, कैसा ऑर्गेनिज्म, कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, ओके. थर्ड उन्होंने दिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इन शॉर्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया. फोर्थ उन्होंने दे दिया रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, उसके बेसिस पे. एंड फिफ्थ दिया ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी, ओके, फाइलोजेनेटिक रिलेशन. सो यू सी हियर, यहां पे आर एच विटेकर ने सारे पॉइंट्स कंसिडर कर लिए. उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर भी लिया, कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म उन्होंने ये भी लिया, वो कैसे न्यूट्रिशन लेता है अपना, कैसे फूड लेता है वो भी लिया, वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है वो भी एस्पेक्ट लिया, और फाइलोजेनी भी लिया. यानी ओवरऑल सारे चीजों को उन्होंने कंसिडर करके क्लासिफिकेशन दिया है, इसलिए इट इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन एंड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज अडॉप्टेड राइट नाउ, ओके. अब हम एक 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 करके सारे पढ़ेंगे कि वो क्या क्या होते हैं. सो पहला है मोनेरा, किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा क्या होता है हम वो देख लेते हैं, ठीक है. सो मोनेरा में ऑल प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. तो ये एक क्लासिफिकेशन उन ऑर्गेनिजम्स के लिए है जो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स है, ओके. इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आता है, इसमें आता है यू बैक्टीरिया, इसमें आता है ब्लू ग्रीन एल्गी. कौन सी एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी,
यहाँ पे मैंने सिर्फ एल्गी लिखा है, ब्लू ग्रीन एल्गी आप लिखेंगे, राइट डाउन ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके ब्लू ग्रीन एल्गी नाम है उसका। एंड आरके बैक्टीरिया ऑल्सो, इसके अलावा आता है माइकोप्लाज्मा, ये नोट डाउन करते जाना क्या क्या है, यू बैक्टीरिया, एल्गी, आरके बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अभी आई होप यू गाइज नो 10th में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सो आई शुड दैट शुड बी आई होप दैट शुड बी क्लियर कि प्रोकैरियोट्स जो है वो प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव यानी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, और यूकैरियोट्स मतलब न्यू ऑर्गेनिजम्स है। इनका जो सेल का स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोट्स का वो काफी सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उसमें सेल ऑर्गेनल ज्यादा नहीं होते, बस राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है, जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो सिंपली साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होता है, और जो यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स है, यू मतलब न्यू, जो न्यू ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनका सेल कॉम्प्लेक्स होता है कंपैरेटिवली, उसमें क्या बोलते हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट यही सब चीजें डिफरेंशिएटिंग आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, ठीक है। आई होप ये तो पता ही होगा, 10th में आता ही था, राइट सोया इसमें ऑल प्रोकैरियोट्स आते हैं, है ना। अभी हम बात करते हैं सेकेंड की, जिसका नाम है प्रोटिस्टा, ठीक है। अब प्रोटिस्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोटिस्टा में क्या आता है, प्रोटिस्टा कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ऑल यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, व्हाट यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, आप समझे इस बात को, जितने भी प्रोकैरियोटिक्स थे यानी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे उसको तो हमने डाल दिया मोनेरा में, काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम, अब हमें डिवाइड करना है यूकैरियोटिक्स को, तो अब हमने यूकैरियोटिक्स के लिए क्या किया, यूकैरियोटिक्स जो है वो दो हो सकते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या वो मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर थे यूकैरियोट्स, सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हमने डाल दिया प्रोटिस्टा में, ठीक है। यानी प्रोकैरियोट्स हो गए, यूनिसेलुलर ही होते हैं वो, तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो गए। अब जिनका क्लासिफिकेशन बचा है वो है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स और कुछ फंगस, वो हम देख लेते हैं, ठीक। अब प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स क्या हैं, डाइनोफ्लेजेलेट्स, इन सब स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। डाइनोफ्लेजेलेट्स का ऑर्गेनिजम्स, डायटम्स, ये सब नाम है, ओके एग्जाम्पल है प्रोटिस्टेंट्स के। देन देयर इज स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड आपने सुना होगा शायद, एंड प्रोटोजोआस, प्रोटोजोआस पता है ना, प्रोटोजोआस भी सुना होगा, नहीं पता है तो आएगा आगे तो पता चल जाएगा क्या होता है, ठीक है। थर्ड क्लास कौन सी है, माइकोटा, माइकोटा मतलब फंगाय या फंजाय, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, जो भी फंगस है ना वो सारे इसमें आते हैं, ओके हर टाइप का फंगस इस कैटेगरी में डाल दिया गया, फंगस के लिए हमने एक अलग कैटेगरी बना दी है, राइट। तो इसमें आते हैं ट्रू फंगसेस, जो भी ये फंगस है वो सारे, ओके सो जस्ट अ सेकेंड। हाँ सो प्रोटिस्टा माइकोटा हमने देख लिया, मोनेरा प्रोटिस्टा माइकोटा हमने देख लिया, ये ट्रू फंगा है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, सो जो नेक्स्ट है उनका क्या नाम है, किंगडम प्लांटी, ये तो सबसे इजी है, जो भी सारे प्लांट्स होते हैं वो सारे आते हैं। सबसे पहले एल्गी, देन आते हैं ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, सारे फाइट्स, जो भी प्लांट्स आते हैं वो सब हम इसमें डालते हैं, राइट। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, वो भी सब प्लांट है तो वो इसमें आएंगे, प्लांट किंगडम में आएंगे, ओके। इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एल्गी हियर एंड द एल्गी वी मेंशनड इन मोनेरा, जिसको हमने ब्लू ग्रीन एल्गी बोला था। तो ये जो एल्गी है ये तो प्लांट है, दिस इज एन एल्गी, दैट इज अ मोनेरा वाइब, इट इज प्रोकैरियोटिक, इट इज यूनिसेलुलर, ठीक है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे, दे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक एंड दिस एल्गी इज यूकैरियोटिक, ओके दिस इज यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक्स जब हम सारे हम मोनेरा में डाल रहे, तो हमने ब्लू ग्रीन एल्गी को भी मोनेरा में डाला,
But this algae, जो हम प्लांटी में mention करते हैं, it is not a prokaryote, it is an eukaryote. इसलिए हमने उसको यहाँ mention किया. तो दोनों different है. Blue green algae is also known as cyanobacteria. तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है. अब हम लास्ट पे आते हैं, जो हमारा फिफ्थ है, किंगडम एनिमलिया. ये भी सबसे आसान है, जो सारे मल्टीसेल्युलर एनिमल्स हैं वो सब इसमें आते हैं. यूकेरियोट्स, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स, वो हम एनिमल्स को इसमें ऐड करते हैं. So, ये है आरएच विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. इसमें हर किंगडम के ऊपर आपकी बुक में चैप्टर्स होंगे या टॉपिक्स होंगे, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया. कोई डाउट हो तो यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी इन द ग्रुप. सब वहां पे व्हाट्सएप करेंगे, आंसर्स दिए जाएंगे. ओके, एंड प्लीज कीप मेकिंग नोट्स व्हाटएवर आई एम सेइंग. And I know I might be going थोड़ा fast, लेकिन हमें syllabus cover करना है तो हम slow नहीं कर सकते. मैं जितना हो सके आपको एक एक चीज explain कर रही हूँ, जितना भी मैं diagram से show कर सकूँ. Because जिस बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं ना, it's very boring. तो हमें जितना हो सके उसको करना है, कोशिश करना है, जितना हम उसको interesting बना सके मैं try कर रही हूँ. So I hope you like the lecture. एंड रिवाइज करते रहिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो है किंगडम मोनेरा. पूरा नेक्स्ट लेक्चर किंगडम मोनेरा के बारे में ही होगा. ओके, सो ओके, बाय बाय.